नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। जनपद रायबरेली में खीरो में एक दबंग परिवार से महिलाएं गांव छोड़ने को हुई मजबूर। जी हां, जनपद रायबरेली में महिलाओं के साथ मारपीट और अत्याचार की घटनाएं जनपद में रुकने का नाम नहीं ले रही, और उसका शायद सबसे बड़ा कारण यह है कि पुलिस महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों के प्रति अपनी वफादारी दर्ज कराती है। जी हां, मामला खीरो थाना क्षेत्र का है, जहां के दुकनहा के रहने वाले अनिल कुमार, कमलेश, महेंद्र और उनके घर की महिलाओं का आतंक इस कदर बढ़ता जा रहा है कि उनसे गांव की महिलाएं घर बार छोड़ने को मजबूर हो रही हैं। संगीता पत्नी राजेंद्र गौतम को 26 जनवरी की रात जबरन घर में घुसने का प्रयास किया। संगीता ने जब दरवाजा नहीं खोला तो विपक्षी दीवार फांद के घर में घुस गए और संगीता से छेड़खानी की और मारपीट के साथ कपड़े भी फाड़ दिए। शोरगुल पर पड़ोस के राजेश्वरी, पूजा और अन्य लोग ने बीच बचाव किया। इस बीच दबंग विपक्षियों ने उसके घर में आग लगा दी, जिसका वीडियो भी संगीता के परिजनों ने बनाया है। यही नहीं, इस घटना के बाद 19 फरवरी को शाम 5 बजे फिर इन लोगों ने एकत्र होकर संगीता को उसके ही घर में घुसने से मना कर दिया और मारपीट कर उसे भगा दिया, जिसका मामला थाने में दर्ज है। दबंग परिवार का आतंक केवल संगीता के ऊपर ही नहीं, बल्कि गाँव के अन्य महिलाओं पर भी उतरता है, क्योंकि गांव की ही सोमोती पत्नी स्वर्गीय सोहन ने 5 जनवरी 2022 की घटना की एक रिपोर्ट में छेड़खानी और मारपीट की थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह के गांव वाले बताते हैं कि आपराधिक मामले उक्त परिवार पर दर्ज हैं, परंतु थाने की पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई न होने के कारण दबंगों के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं और महिलाओं का जीना दुश्वार हो रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ के आने वाली? थाना कौन सा है? क्या मामला है? तो थाने गई थी, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ जो है कि दो घंटे बाद छोड़ दिया उसको। सुबह उसके बाद हमने थाने पता के गांव में और भी मुकदमे इनके पर लिखे हुए हैं। हाँ, इनके कई महिलाओं पे हमला किया, लेकिन कुछ नहीं, कोई सुनाई नहीं होती। कई महिलाओं पर हमला किया है, बदमाश पर हम देखते हैं। कितने लोग हैं, क्या नाम है इनके? मैं अनिल कुमार, कमलेश, महेंद्र, जिंदा दी महिलाएं किरण है और ज्योति जी के हैं। क्या चाहते हैं लोग? ये लोग चाहते हैं कि बदमाश हैं, किसी के ऊपर लगते हैं कमजोर, तो जो पीछे मारपीट आदि करते रहते हैं। बदमाश से मारपीट करते हैं? बदमाश हैं। अरे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भूल रहा है। अरे, कौन है ये आपकी? ये हमारी फरहाद लगती है। क्या मामला इनका है? इनका पड़ोसी झगड़ा है साहब, तो आए दिन इनको मारपीट करते हैं, घर में रहने नहीं देते हैं, बच्चे लेके इधर उधर घूम रही है, कहीं इस गांव, कहीं उस गांव, कहीं उस गांव। तो थाना पुलिस कुछ नहीं कर रही क्या? थाना पुलिस गई है मगर किए नहीं। क्या कहती है? कहती क्या पता नहीं, वो क्या कहती है, वो जाती है और वापस आ जाती है वहाँ से। तो आज कहाँ आए? आज कहाँ पे आए हो? आज हम यहाँ कोर्ट पे आए। अब यहाँ से न्याय मिलेगा? यहाँ के लिए हमको बुला के लाई है कि चलो वहाँ मेरे साथ चलो। अच्छा, नहीं अब यहाँ न्याय के लिए आई हो? न्याय के लिए आए हैं। थाने से उम्मीद नहीं रहेगी? थाने को उम्मीद क्या रहोगे, एक साल से ऊपर हो गया, कहीं इस गांव में, कहीं उस गांव में, कहीं उस गांव में, बच्चे उधर पड़े हैं, ये इधर रहे, वो उधर रहे, रहने देते नहीं गाँव में।